सर्दियों में मॉइस्चराइजर लगाते हो तो स्किन की नेचुरल ग्रोथ चली जाती है, स्किन बिल्कुल फेयर नजर नहीं आता है। जैसे जैसे समय बीतता है आपका चेहरा धीरे धीरे अपने नेचुरल स्किन के कलर से डल होना शुरू हो जाता है, या फिर यूं कहें कि चेहरा धीरे धीरे काला पड़ने लगता है, जबकि नेचुरल कलर वो है ही नहीं। और ये होता क्यों है? ये होता है मॉइस्चराइजर अप्लाई करने की वजह से। आप चाहे कोई सा भी मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लो, स्किन ऑयली ही नजर आता है। चाहे आप उसे फेयर दिखाने के लिए कोई भी लूज पाउडर या कॉम्पैक्ट अप्लाई करो, आपकी स्किन घंटे दो घंटे बाद काली पड़नी शुरू हो जाती है। अब हम पहुंच गए हैं दिसंबर के महीने में, और इस महीने में चलती हैं बहुत ही तेज सर्द हवाएं, और ये हवाएं करती हैं हमारे लिप्स को बिल्कुल बेजान। हमारा लिप जो है वो जगह जगह से फट जाता है, दरारें आ जाती हैं, खून सा निकलने लगता है होठों से। सर्दियों में एलोवेरा को पूरी तरीके से आप स्किप कर देते हैं और मॉइस्चराइजर पे आ जाते हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत है। सर्दियों की एक और बड़ी समस्या, आपके नाखून के नीचे की जो ये स्किन होती है ना, वहां से छोटी 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 स्किनें निकलने लगती हैं, और वो देखने में बहुत अजीब लगता है, बहुत गंदा लगता है यार, सीरियसली। और एक दो भी नहीं होती है, वो लगातार सब पे होती है। आप देखो, समस्याएं तो मैंने इतनी सारी गिनवा दी आपको, और इन सभी समस्याओं से आपको बचाएगा सिर्फ और सिर्फ बोरो प्लस। जी हाँ, बोरो प्लस इन सभी चीजों का इलाज करेगा, और न सिर्फ इन सभी चीजों का बल्कि और भी कई सारी चीजें हैं जिसमें आप बोरो प्लस का यूज कर सकते हैं, और वो 100% अपना काम करके देता है। आपको विश्वास नहीं है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा इन तक। आज की वीडियो में मैं कई सारे ऐसे हैक्स, टिप्स और ट्रिक्स शेयर करने जा रही हूँ जो कि सर्दियों के दिनों में बहुत ही ज्यादा काम आने वाले हैं। और ये सारे टिप्स और ट्रिक हैक, ये सब कुछ आपको करना है सिर्फ और सिर्फ एक बोरो प्लस से, किसी और चीज की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो, अब ज्यादा बात नहीं करती हूँ और फटाफट से कर लेती हूँ आज के अपने इस वीडियो को स्टार्ट। तो चलो शुरू कर लेते हैं अपने चेहरे से। आप अगर सर्दियों में एलोवेरा को स्किप कर देते हो और आ जाते हो मॉइस्चराइजर पे, ये आप बिल्कुल गलत करते हो। सर्दी हो, बरसात हो, गर्मी हो, कोई सा भी मौसम हो, एलोवेरा को कभी स्किप मत करना। आप इसे हर मौसम अपने चेहरे पे जरूर से अप्लाई किया करो। आपको मैंने पहले भी बताया कि एलोवेरा आपके स्किन पे एंटी एजिंग का काम करता है, आपकी स्किन पे एजिंग साइन आने से रोकता है, एजिंग साइन को डिले करता है। तो एलोवेरा को कभी भी स्किप नहीं किया करो। अगर हम एलोवेरा लगाते हैं और मॉइस्चराइजर नहीं लगाते हैं तो जगह जगह से हमारे स्किन ना ड्राई होना, और मतलब धब्बे से सफेद सफेद से वो दिखने लगते हैं। अब जैसे कि नोज के आसपास का ये जो एरिया होता है ना, यहाँ से स्किन निकलने लगती है, लिप्स के आसपास यहाँ का जो एरिया होता है ये ड्राई हो जाता है, दिखता है। मतलब अगर आप एलोवेरा भी लगा लो उसके बाद भी दिखता है। तो इसके लिए आप क्या करोगे? इसके लिए आपको लेना है बोरो प्लस, और एलोवेरा को अपने चेहरे पे लगाने से पहले इस बोरो प्लस को आपको लगाना है उन जगहों पे जहां पे आपको सफेद धब्बे दिखते हैं, स्किन निकल जाती है, ड्राइनेस दिखता है, वहां पे सबसे पहले आप इसे अप्लाई करो। लगा लिया, अच्छे से मिक्स कर लो अपने चेहरे पे। इसके बाद आप एलोवेरा लगाओगे अपने पूरे चेहरे पे जैसे आप अप्लाई करते हो बिल्कुल उसी तरीके से। अब इससे क्या होगा, जहां जहां पे ड्राइनेस थी वहां पे बोरो प्लस अच्छी तरीके से उस स्किन को मॉइस्चराइज करके रखेगा। इसके बाद जब आप एलोवेरा लगाओगे तो एलोवेरा तो नॉर्मली मॉइस्चराइजर का काम करता ही है, लेकिन एलोवेरा लगाने के बाद जो आपकी स्किन में ड्राइनेस आपको दिखती थी, जगह जगह से स्किन निकल रहे थे, वो इस हैक के बाद नहीं निकलेंगे। तो एलोवेरा को स्किप मत करना, एलोवेरा लगाने से पहले बोरो प्लस का ये वाला हैक जरूर ट्राई करना। अक्सर जब आप फाउंडेशन लगाते हो सर्दियों के मौसम में, तो जहां जहां की आपकी स्किन ड्राई है ना, एक्सट्रीमली ड्राई है ना, वो बिल्कुल दिख रही होती है। जब फाइनल मेकअप करने के बाद भी आप अपना चेहरा देखते हो आईने में ना, तो बड़ा ही गंदा लगता है। मतलब जगह जगह जहां जहां पे आपकी स्किन बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली ड्राई थी, और यार जब सर्दियों में ठंडी हवाएं चलती है ना, ये मतलब स्किन की नमी को पूरी तरीके से निचोड़ लेती है और आपका स्किन बिल्कुल बेजान हो जाता है। जो वर्किंग है, कहीं बाहर जाना है, पार्टी है, फंक्शन है या कोई भी चीज है, अब वो सर्दी के मौसम की वजह से रोक तो नहीं सकते हैं, करना तो हमें सब कुछ है, मेकअप भी एवरी डे करना ही करना है। तो इसके लिए बड़ा है सिंपल सा हैक आपको ट्राई करना है। आपको फाउंडेशन लगाने से पहले अपने फाउंडेशन में लेना है जस्ट थोड़ा सा बोरो प्लस, बस इतना बोरो प्लस काफी होगा। आप इतना बोरो प्लस लो, इसके बाद आप जितनी भी क्वांटिटी में जो भी फाउंडेशन लगाना चाहते हो उसे रखो, दोनों को अच्छे से मिक्स करो। सिर्फ फाउंडेशन के साथ ही नहीं, आप बेबी क्रीम या सीसी क्रीम भी अगर ले रहे हो सर्दियों के मौसम में मेकअप करने से पहले, आप उसमें थोड़ा सा जस्ट इतना ही बोरो प्लस को मिक्स करो अच्छे तरीके से, और उसके बाद पूरे चेहरे पे अप्लाई कर लो। फाउंडेशन लगाने के बाद आपके चेहरे पे एक ग्लो आता ही आता है। जब आप इसमें बोरो प्लस को मिक्स करके लगाओगे ना, तो ये जो स्किन आपकी ड्राई हो रही थी, एक्सट्रीमली ड्राई हो रही थी, या फाउंडेशन लगाने के बाद मेकअप कंप्लीट होने के बाद भी आपकी स्किन जगह जगह से आपको दिख रही थी कि स्किन निकल रही है, फिर सफेद सफेद से धब्बे जो हो जाते हैं आपके लिप के अराउंड या नोज एरिया के पास या गालों की साइड पे, बीच पे, सेंटर में, ये बड़ा ही अजीब होता है। और अगर आप मुझसे रिलेट कर पाओगे ना, तो
कई लड़कियों के साथ ये समस्या हो भी रही होगी। सर्दियों के मौसम में ये चीजें हर किसी को फेस करनी पड़ती हैं। हर किसी की स्किन इसी तरीके से बिहेव करती है यार, आपकी स्किन कुछ अलग नहीं कर रही है। बस आपको कुछ हैक्स, टिप्स और ट्रिक्स पता होने चाहिए जिससे आप अपनी स्किन को मेकअप के साथ साथ मॉइस्चराइज भी करके रख सको। फाउंडेशन में हमने बोरोप्लस जो मिक्स किया था ये आपकी स्किन को अंदर से मॉइस्चराइज भी करके रखेगा और अलग से ग्लो देकर के भी जाएगा। अब आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के कैसा भी मेकअप कर लो, आपकी स्किन पे कहीं से भी कोई सफेद धब्बे या कहीं से भी डेड स्किन सेल्स या स्किन खुरदुरी या ड्राइनेस नहीं दिखने वाली। सर्दियों में ना ये कॉमन प्रॉब्लम होती है हर लड़कियों की, लड़के की या किसी की भी। हर किसी का लिप ना सर्दियों के मौसम में एक्सट्रीमली ड्राई हो जाता है। न सिर्फ ड्राई होता है बल्कि अगर आपने उसकी रेगुलर केयर नहीं की ना तो जगह जगह से दरारें पड़ जाती हैं, खून जैसा निकलने लगता है और दर्द भी बहुत ज्यादा करता है यार। इससे बचने के लिए ना बड़ा ही सिंपल सा काम करना है, रात को सोने से पहले बोरोप्लस अपने पूरे लिप पे अच्छे से अप्लाई करो, जस्ट 5 to 6 सेकंड के लिए मसाज कर दो अपने लिप पे और आराम से सो जाओ। जब सुबह उठ करके देखोगे ना तो खुद ही बिलीव नहीं कर पाओगे, आपका लिप इतना ज्यादा सॉफ्ट मुलायम आपको खुद ही फील होगा, आप देख करके कहोगे यार वाकई में। और बोरोप्लस तो एक ऐसी चीज है जो कि 2 घंटे में आपके कितने भी फटे हुए लिप्स हो, कितनी भी दरारें पड़ी हो, कितनी भी ड्राइनेस हो, सिर्फ 2 घंटे काफी है बोरोप्लस आपके लिप्स को बिल्कुल अच्छे से रिपेयर करने के। सर्दियों में एक और कॉमन प्रॉब्लम होती है, जगह जगह से नाखूनों के नीचे की जो स्किन होती है ना वो निकल जाती है, वहाँ की स्किन अजीब रेड रेड सी होने लगती है, खून भी निकलने लगता है। कई बार लोग ऐसा करते हैं कि वो स्किन आपको दिख रही होती है निकली हुई तो उसे बस डायरेक्ट पकड़ के खींच देते हैं। अब ऐसे में क्या होता है कि वहां से ब्लड आना शुरू हो जाता है, तो सबसे पहले तो वहां की स्किन को ऐसे ही नहीं नोचना है, उसे ऐसे ही उखाड़ करके नहीं फेंक देना है। जो भी स्किन आपकी वहां की निकली हुई तो सबसे पहले नेल कटर से कट करो और रात को सोने से पहले, या फिर आप 2-3 घंटे पानी का काम बिल्कुल नहीं कर रहे हो तो अपनी उंगलियों पे यहाँ पे बोरोप्लस लगाओ। अब देखो दिन में कोई ना कोई तो काम होता ही होता है, आप चाहे जितना भी कोशिश कर लो लेकिन थोड़ी थोड़ी देर पे आपको पानी में हाथ डालना ही पड़ता है, कोई ना कोई ऐसा काम आ जाता है जिसकी वजह से आपको पानी का यूज करना ही पड़ता है अपने हाथों पे, है ना। तो आप इसको करने के लिए रात का टाइम लो। कहते हैं ना कोई भी चीज जब आप रात को करते हो तो वो अच्छा इफेक्ट देती है दिन के मुकाबले। तो आप क्या करोगे कि थोड़ा सा बोरोप्लस लोगे, कुछ इस तरीके से अपने फिंगर पे अप्लाई करोगे, अपने दोनों हाथों को कुछ इस तरीके से करके आपको कर लेना है मेक और इसे छोड़ देना है पूरी रात। आप अपने पानी वाले जितने भी काम है उसे निपटा लेना, उसके बाद ही इसे करना, क्योंकि फिर लगाने के बाद आप जाकर के पानी से धो लोगे तो कोई फायदा नहीं है। इसे आप पूरी रात अपनी उंगलियों पे लगे रहने देना, बहुत ही इफेक्टिव चीज है यार। 2 से 3 दिनों में आपकी जो स्किन निकलने शुरू हो गई थी ना वो वापस से रिपेयर होना शुरू हो जाएगी। तो अगर सर्दियों में बार बार आपके साथ भी ऐसा होता है तो ये वाला हैक जरूर ट्राई करना। अगर सर्दियों के मौसम के लिए आप सबसे सस्ता और जुगाड़ू मॉइस्चराइजर ढूंढ रहे हो तो बोरोप्लस से ज्यादा सस्ता, किफायती और जुगाड़ू मॉइस्चराइजर आपको बिल्कुल कहीं पर भी नहीं मिलेगा। जी हाँ, आप इसे एज ए मॉइस्चराइजर, एज ए नाइट क्रीम भी अपने पूरे स्किन पे लगा सकते हो और पूरी रात ये आपके स्किन को रिपेयर करने का काम करेगा, एक नेचुरल ग्लो भी देगा, मॉइस्चराइज भी करके रखेगा। रात को इसे लगाने से पहले अपने चेहरे को अच्छे से फेस वॉश कर लो या हल्के गुनगुने पानी से धुल लो। अगर मेकअप किया है तो फेस वॉश जरूर से करना, उसके बाद ही इसे अपने पूरे चेहरे पे अप्लाई करना और उसके बाद बस आराम से सो जाओ सुकून से। सुबह उठ करके आप खुद ही अपने चेहरे पे इसका इफेक्ट देख करके हैरान रह जाओगे, आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज करके रखते हैं। और सर्दियों के दिनों में बोरोप्लस से बेस्ट तो मुझे लगता है कुछ और बिल्कुल भी नहीं। तो बहुत सारे लोग पता नहीं कितने पैसे खर्च कर देते हैं अपने मेकअप रिमूवर के ऊपर, लेकिन मैं मेकअप रिमूव करने के लिए अपने घर की ही बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो यूज करती हूँ। इसके ऊपर मैंने एक प्रॉपर वीडियो भी बनाया था कि जिसमें आपके मेकअप किट की ही चीजों से आप इजीली मेकअप रिमूवर बना सकते हैं। लेकिन आपको पता है बोरोप्लस एक ऐसी चीज है जिसे बनाने की जरूरत नहीं है, रेडीमेड मेकअप रिमूवर का काम करता है ये आपके लिए। आपका कैसा भी मेकअप प्लस इजीली रिमूव करने का दम रखता है, न सिर्फ मेकअप बल्कि आपकी स्ट्रॉन्गली मैट लिपस्टिक को भी इजीली रिमूव कर देता है। इसके लिए आपको लेना है बस थोड़ा सा बोरोप्लस और कोई भी रुमाल, कपड़ा या फिर ड्राई वाइप्स आप ले सकते हैं। बस इसमें थोड़ा सा आप बोरोप्लस लगाइए और आप अपने जो भी मेकअप को रिमूव करना चाहते हैं इजीली इससे कर सकते हैं। चल थोड़ा सा मेरा फैल गया है तो मैं इसे रिमूव करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए कुछ इस तरीके से, बस जस्ट आपको थोड़ा सा इसे लगाना है और बहुत ही इजीली, यकीन मानिए अगर विश्वास नहीं होता है तो जाकर के एक बार ट्राई जरूर करना यार। बस थोड़ा सा आपको इसे लगाना है और इजीली आपके मेकअप को रिमूव कर देता है, सिर्फ काजल ही नहीं आपके पूरे मेकअप को। आपको अगर अपने पूरे चेहरे का मेकअप एक साथ में रिमूव करना है तो थोड़ा सा बोरोप्लस लीजिए, टैप टैप करके अपने पूरे चेहरे पे लगा लीजिए और इजीली किसी ड्राई वाइप, रुमाल या किसी भी कपड़े से आप इजीली अपने चेहरे को वाइप कर डालिए। कितने आराम से आपका तगड़ा से तगड़ा वाला मेकअप भी रिमूव करके दे देगा। बोरोप्लस लगाने से किसी तरीके का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, बोरोप्लस हर स्किन टाइप होता है, बोरोप्लस आपकी स्किन को इजीली मॉइस्चराइज कर देता है। आप अपने किसी भी मेकअप प्रोडक्ट में से शामिल कर लो, उस मेकअप प्रोडक्ट की खूबी को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। मुझे नहीं लगता है इससे भी ज्यादा सस्ता कोई और ऑप्शन हो सकता है।
है, अगर है तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगी, पसंद आई होगी तो इसे एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेरे चैनल पे नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। आपका कोई और सवाल हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपनी सारी गर्ल्स और फीमेल ग्रुप में, क्योंकि इस विंटर उन्हें भी इन सारे हैक्स, टिप्स और ट्रिक्स के बारे में पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। शायद आपको नहीं पता लेकिन उनका बहुत बड़ा हेल्प आप कर रहे हैं। मैं आपसे मिलती हूँ विद न्यू वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।